आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लज्जत ही लज्जत। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। आज मैं बहुत ही मज़े की और मेरी पूरी फैमिली की फेवरेट चीज़ बना रही हूँ और वो है लज़ानिया। ये जो लज़ानिया है पाकिस्तानी स्टाइल है, लेकिन मैं भी आपको बताती हूँ क्या क्या आपको चाहिए इसके लिए। सबसे पहले ये 1 pound बोनलेस चिकन था, इसको मैंने पहले बॉयल किया था, फिर इस तरह श्रेड कर लिया हाथों के साथ। आप चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ, कोई भी और टाइप ऑफ मीट का कीमा यूज़ कर सकते हैं, या उसे इसी तरह बॉयल करके श्रेड कर लें। और साथ में यह है एक पूरा प्याज, यहाँ पे हाफ कप मैंने कैरेट्स और पीज लिए हैं और हाफ कप स्पिनच। ये दोनों ऑप्शनल हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर ऐड करते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा डालती हूँ। ये चीज़ है बहुत सारी, ये चीज़ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों को चीज़ इतनी नहीं पसंद, तो आप थोड़ी रखें, लेकिन अगर आपको बहुत चीज़ ही पसंद है तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे केचप चाहिए, ये 1/4 cup मैं डालती हूँ केचप। ये यहाँ पे टमेटो सॉस चाहिए आपको, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, प्लेन या फ्लेवर्ड वाली। ये आपको चाहिए 3 cups, साथ में ऑयल चाहिए। और यहाँ पे है 1/2 tablespoon सॉल्ट, 1/2 tablespoon रेड चिली, और यहाँ पे है 1 tablespoon रेड चिली फ्लेक्स, और साथ में ये लज़ानिया वाले जो मिलते हैं वो स्ट्रिप्स हैं, इनको मैंने बॉयल रखने के लिए रख दिया हुआ है पहले से ही, तो ये मैंने पूरा एक पैकेट डाला था, मैं भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ एदे विच देखो पास्ता स्ट्रिप्स, लज़ानिया स्ट्रिप्स बॉयल होने दे, तसी बाकी गुदा कम कर दिया। सो चलें अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पैन गर्म होने रख दिया था। ओके, सो ये देखिए ऑयल डाल दिया है, इसके अंदर सबसे पहले मैं अनियंस डालूंगी। इनको हमें थोड़ा सा सॉटे करना है, इतना ब्राउन नहीं करना, बस मैंने जैसे कहा था हल्का सा इनको गर्म करना है, और अंदर चिकन डाल देना है। जब इस तरह थोड़ा सा मिक्स हो जाए आप अंदर अपने पास्ता सॉस डाल सकते हैं। और मैं, ये मेरी ओन रेसिपी है, मैं हमेशा थोड़ी सी केचप डालती हूँ, लाइक 1/4 cup। ये आपकी मर्जी ना डालें, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। सो अब इसको मिक्स कर लें। अभी सारा कुछ मिक्स हो गया, अपनी स्पाइसेस डाल दें, ये रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, फ्लेक्स और जो वेजिटेबल्स थे वो भी डाल दें। ये देखिए लज़ानिया की फिलिंग तैयार है, जो लज़ानिया स्ट्रिप्स थे वो भी बॉयल हो गए, तो अब हम असेंबल करते हैं सारा कुछ। सो अभी हम लज़ानिया असेंबल करते हैं। असेंबल करने के लिए यहाँ पे मैंने चीज़ रख ली है, वो स्ट्रिप्स में स्ट्रेन कर रही थी और वो सॉस पड़े फिलिंग, तो चले अभी इसको असेंबल करते हैं। असेंबल करने के लिए सबसे पहले आपने ये जो स्ट्रिप्स हैं नीचे रखने हैं। सो सबसे पहले आपने ये लेयर नीचे रख लेनी है इनकी, मैंने हाथ भी जला लिए हैं, और फिर उसके बाद ये फिलिंग डालनी है ऊपर। ओके, सो ये देखिए ये फिलिंग डाल गई, अब ऊपर चीज डालनी है बहुत ज्यादा, मैंने आपकी मर्जी, मुझे ज्यादा पसंद है सो मैं ज्यादा डालूंगी। मैंने इतनी ज्यादा भी नहीं मैंने डाली, लेकिन यू गेट द पॉइंट के मतलब। ओके, अब इसके दोबारा सारा कुछ रिपीट करना है, अभी स्ट्रिप्स दोबारा ऊपर डाल लें। आखिरी लेयर के ऊपर भी आपने चीज डाल देनी है। ओके, अब लज़ानिया ओवन में जा सकता है। ओवन को मैंने 375 फ़ारेनहाइट पे प्रीहीट कर लिया है, और अभी इसको 55 मिनट्स के लिए ओवन में रखना है।
देखिए लज़ानिया तैयार हो गया, कितना मज़े का लग रहा है। इसको मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। बहुत ज़्यादा मज़े का है। आई थिंक कि ज़्यादा चीज़ डालने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद आप थोड़ी डाल सकते हैं। लेकिन ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। जो वाइट सॉस वाला लज़ानिया है उसकी भी रेसिपी हम देंगे। तो चलें मिलते हैं कल एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।